अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियोस बनाते हो और आपकी वीडियोस पर 10 से 15 व्यूज़ आते हैं या किसी किसी वीडियो पर तो भाई 5 से 6 व्यूज़ आते हैं और किसी किसी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं एंड लाइक्स कम आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ ना, इनको अपने माइंड में डाल लेना, सीरियसली 10 से 15 व्यूज़ तो फिर कभी भी नहीं आएंगे, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। फर्स्ट अपनी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करना सीखो। सबसे पहले तो आप ये वाला वीडियो देखो। तो इस तरह की वीडियोस पे लाखों में लाइक्स एंड मिलियंस में व्यूज इसलिए आते हैं बिकॉज इस वीडियो पे दो दो बार वॉच टाइम मिल चुका है एंड कोई कोई तो भाई देखता ही रहता है, कम से कम 10 से 15 बार देख लेता है एंड बस फिर तो वीडियो वायरल होना ही है। तो अगर आपकी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट नहीं करोगे, एक तो भाई शॉर्ट वीडियो होता है और आप लोग सस्पेंस क्रिएट नहीं करोगे तो आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको सस्पेंस क्रिएट करना सीखना ही पड़ेगा। तो अब सस्पेंस को साइड में रखते हैं, अब अगली बात पर चलते हैं। इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई फिल्टर ट्रेंडिंग में जरूर रहता है, लाइक अभी ये वाला फिल्टर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिफोर आफ्टर वाला। तो अगर इंस्टाग्राम पर कोई भी फिल्टर ट्रेंडिंग में आता है, अगर आप उस पर वीडियोस नहीं बना रहे तो भाई क्या कर रहे हो? आपने एक वीडियो बना दिया वायरल नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा वीडियो बनाओ, दूसरा भी वायरल नहीं हुआ तो तीसरा बनाओ। लेकिन एक मिस्टेक मत करो, वीडियो सेम मत बनाओ, हर बार कुछ अलग करने का ट्राई करो। लाइक तुम्हारे भाई ने किया, मतलब भाई ट्राई तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो आपको सोचना भी पड़ेगा कि हम क्या अलग कर सकते हैं। अगर कोई भी फिल्टर ट्रेंडिंग में आ रहा है तो भाई आप एक बार नॉर्मल सा वीडियो बनाकर देखो जैसे लोग बना रहे हैं। अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा नहीं आता तो एक और बना दो। तो कोई भी फिल्टर ट्रेंडिंग में आता है उस पर वीडियो जरूर बनाओ, अलग अलग तरीके से बनाओ, अलग अलग म्यूजिक लगा कर देखो, डेफिनेटली आपके 10 से 15 व्यूज वाले तो भाई प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी आपकी। तो अब चलते हैं थर्ड ट्रिक की, टाइटल ट्रिक। अगर आप टाइटल के साथ गेम नहीं खेलोगे तो भाई क्या करोगे? आपने देखो होगा काफी सारे बंदे ये लिखते हैं वेट फॉर एंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंड का वेट करें, मतलब भाई कुछ कुछ लिखते हैं। एंड कभी कभी लोग सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे कि लोग वीडियो को एंड तक देखते ही हैं। तो आप लोग ये मत लिखो वेट फॉर एंड, बिकॉज ये चीज झूठी हो चुकी है। काफी सारे बंदे एंड तक वेट करते हैं बट उनको कुछ दिखता नहीं है। आप एक काम करो, कुछ और ट्राई करो ना, आप ये लिखो ओ भाई लास्ट में जो हुआ मजा ही आ गया। अगर आप टाइटल में लिख देते हो वेट फॉर एंड या आप लिख देते हो लास्ट तक जरूर देखना, और आपकी उस वीडियो में लास्ट में कुछ ना हुआ तो लोग आपकी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। तो आपको यहां से क्या सीखने के लिए मिलता है कि वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करो एंड लास्ट में कुछ ट्विस्ट होना चाहिए, मतलब लोग आपकी वीडियो को एंड तक देखें तो उनको हंसी आए या कुछ भी उनको दिखना चाहिए या सीखने के लिए मिलना चाहिए। मान लेते हैं आपने वीडियो की शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखाया एंड वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट ऐड कर दिया और आपने वेट फॉर एंड नहीं लिखा तो लोग वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, तुरंत ऊपर कर देंगे। तो अब चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। भाई अभी के टाइम में काफी सारे बंदे क्या करते हैं, एक रील आज अपलोड कर दिया, एक दो हफ्ते बाद करते हैं, मतलब रेगुलर नहीं है। आपको एक दिन में कितने वीडियोस अपलोड करना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप रील्स पर वीडियोस बनाते हो, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। देखो अगर आप एक दिन में लिमिट से ज्यादा वीडियोस अपलोड करोगे तब भी सही नहीं रहेगा, मतलब 10 से 15 वीडियोस, 20 30 वीडियोस, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रील तो हर रोज पोस्ट करनी ही चाहिए। अब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करो, फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, रील में कुछ दम होना चाहिए, या तो सामने वाले को हंसी आनी चाहिए। अगर आप कुछ सिखाते हो YouTube पर, सॉरी Instagram रील्स पर, तो सामने वाले बंदे की समझ में आना चाहिए, मतलब आपका किसी भी कैटेगरी का रील है, आप कैसा भी रील वीडियो बनाते हो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करो। अगर आप कॉमेडी करते हो तो इस भाई से कुछ सीखो, मतलब भाई
खतरनाक तरीके से आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक करना ही पड़ेगा। जब तक लोग आपकी वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, आपकी वीडियो को 3 से 4 बार नहीं देखेंगे, तब तक आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना या वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, याद से। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।